रुक करते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बता दें, भाजपा से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल ने अपने और अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। बता दें कि भाजपा के निलंबित नेता नवीन कुमार जिंदल ने एक बार फिर से दिल्ली पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर हमला किया जा सकता है और इसलिए उनको सुरक्षा दी जाए। भाजपा के इस नेता ने दिल्ली पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि भाजपा के पूर्व नेता ने पहले पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनको पार्टी से निकाल दिया गया था और अब वो नेता दिल्ली पुलिस से चिट्ठी लिखकर अपनी सुरक्षा की बात कर रहा है। अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा बढ़ाने की वो मांग कर रहे हैं। बता दें कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनको और पार्टी की जो नेता थी, जो स्पोक्स पर्सन थी नूपुर शर्मा, पार्टी में प्रवक्ता थी नूपुर शर्मा, उनको भी निष्कासित कर दिया गया था पार्टी में। और 29 जून को उनको धमकी भी मिली थी, उनको जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर पर दी थी। और उनकी सुरक्षा में पुलिस जवानों को भी तैनात किया गया था और उन्होंने ये बताया है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है, क्योंकि उनके घर के बाहर जो पुलिस वैन तैनात थी, पुलिस की जो वैन तैनात थी, उसके शीशे तोड़े गए हैं और उन्होंने कहा है कि उन पर भी जल्द हमला किया जा सकता है, जिसके कारण उन्होंने कहा है कि उनकी और उनकी परिवार की जो सुरक्षा है वो बढ़ाई जाए, जिसके कारण उन्होंने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी और अपने परिवार की और अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। नवीन कुमार जिंदल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को अपने ट्वीट में टैग किया। बता दें कि नवीन कुमार जिंदल ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी अपने ट्वीट में टैग किया और सुरक्षा की मांग की। उन्होंने लिखा कि मेरे परिवार की जान को इस्लामिक जिहादियों से खतरा है। मैं एक माह में दिल्ली पुलिस को कई बार सबूत सहित लिखित में दे चुका हूं। मेरे निवास पर एक PCR एक सिपाही के साथ तैनात है। रात में जिहादियों ने PCR के शीशे तोड़कर संदेश दिया है, CP दिल्ली मेरी व मेरे परिवार की सुरक्षा का पुख्ता प्रबंध करे। तो बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें पुलिस कमिश्नर को तैनात किया है, जिसमें पुलिस कमिश्नर को उन्होंने टैग किया है और उन्होंने कहा है कि जो वैन तैनात है, जो पुलिस की वैन तैनात है, उस पर हमला किया गया है, उसके शीशे तोड़े गए हैं और उन्होंने कहा है कि इस्लामिक जिहादियों ने जो ऐसा काम किया है, जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, और उन्होंने कहा है कि उनकी जो जान को वो खतरा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। देखते रहिए KRT News Network।